A small object, a small block of mass and slides on a frictionless horizontal table. ठीक है, इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव, ऐसे मूव कर रहा होगा. ठीक है, ऐसे अगर मूव कर रहा है तो इसमें जो नॉर्मल इसका बन जाएगा, नॉर्मल जिस तरह का बनेगा ना, मान लेते हैं ये नॉर्मल आया ना. ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द रिंग इज म्यू, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक. तो देखिए जो नॉर्मल की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, वो नॉर्मल हमारा क्या बनाएगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेट से वो होगा एम बी स्क्वायर अपॉन दिया हुआ एल. ठीक है, अब चूंकि ये क्या कर रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द रिंग टू व्हेन द, ठीक है, जैसे म्यू गिवन है एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी, तो फ्रिक्शन फोर्स पे कितना लग रहा होगा, जो एफ की वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू इनटू एन, है ना. अब इसकी वजह से हो रहा होगा रिटार्डेशन, तो मैं इसको न्यूटन सेकंड लॉ के, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एम ए के बराबर कर सकता हूँ. तो म्यू एम बी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू एम, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो इसको मैं कहूँगा माइनस डी वी बाय डी टी. एम से एम को कैंसिल आउट कर दो. ठीक है, जैसे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन एल. अब मैं इसको थोड़ा सा रिरेंज करके dv अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन l dt कर देता हूँ. t इक्वल टू जीरो पे जो आपकी वेलोसिटी है वो v नॉट है, और t इक्वल टू t पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज v. आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करते हैं आपका जो आंसर आएगा वो होगा फर्स्ट वाला प्योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको.